होती है जंक डाइट, क्या आपको ये लेनी चाहिए? इसको लेने से क्या होते हैं नुकसान? आपकी किडनी पर जंक डाइट का क्या पड़ता है असर? आपके ऐसे सभी सवालों के जवाब लेकर हम आ चुके हैं। नमस्कार, कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट नेचुरली पर आपका स्वागत है, जहां आप किडनी की बीमारी और इसके आयुर्वेदिक उपचार से जुड़ी सारी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जंक डाइट किस तरह से आपकी किडनी पर असर डालती है, इसको फॉलो करने से आपको क्या नुकसान हो सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम आपको कुछ ऐसे जंक फूड्स के बारे में बताएंगे जो किडनी पेशेंट भी आराम से खा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं विशाखा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए किडनी और आपके स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारी अपनी वीडियो के माध्यम से लाते हैं। आज हम ऐसे ही एक खास वीडियो को आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आज के समय में जंक डाइट या जंक फूड किसको नहीं पसंद। पार्टी से लेकर पिकनिक तक और मूवीज देखते समय भी फास्ट फूड हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बन चुका है। जंक डाइट में सभी तरह के फास्ट फूड्स आते हैं। इसमें आप पैकेट बंद खाने से लेकर सड़क पर मिलने वाले समोसे को भी शामिल कर सकते हैं। एक बर्गर, पिज्जा या कोल्ड ड्रिंक हमारी डाइट का अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं। चाहे आप रास्ते में हो या घर पर, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना आजकल ट्रेंड हो गया है। आपको बता दें कि इस तरह का खान पान आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है और ये किडनी को खराब करने के लिए काफी होता है। चिप्स, वेफर्स, सॉल्टेड नट्स और कोल्ड ड्रिंक्स, ये सभी नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। चाहे बच्चे हों या बड़े, चिप्स सभी के फेवरेट स्नैक्स हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि ऑफिस में बैठे बैठे कई बार आप इसी तरह की चीजें खाने लगते हैं। ये किडनी को काफी नुकसान पहुंचाती है। इसके साथ ही सर्दी का मौसम आते ही खराब खाने की आदत लगना भी एक आम बात है। इसमें आप गर्म और टेस्टी खाने के चक्कर में शुगर कोटेड डेजर्ट्स, केक्स, फास्ट फूड, नूडल्स, मोमोज और जाने क्या क्या खा लेते हैं। कई बार अपने खाने पर कंट्रोल न रहने की वजह से भी ओवर ईटिंग हो जाती है। इस तरह की चीजों को नियमित रूप से लेने पर किडनी फेलियर की आशंका बढ़ जाती है। क्या आप जानते हैं जंक फूड लेने से किडनी को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? आपके फेवरेट जंक फूड में सोडियम की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ये किडनी के लिए बहुत खराब होते हैं। पैक्ड चिप्स या नट्स में मौजूद प्रिजर्वेटिव्स किडनी और बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। सोडियम के अलावा पोटेशियम और फास्फोरस भी किडनी के लिए बिल्कुल लाभदायक नहीं होते। इसके अलावा फास्ट फूड में शुगर भी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। आपको बता दें कि सभी पैक्ड फूड और फास्ट फूड का सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ ऐसे फास्ट फूड जो किडनी पेशेंट भी खा सकते हैं। आप घर पर बने मोमोज खा सकते हैं। इन मोमोज को बनाते वक्त याद रहे कि आप इसमें सिर्फ गेहूं के आटे का ही प्रयोग करें। फिलिंग के लिए आप पत्ता गोभी, गाजर और प्याज ले सकते हैं। साथ ही आप घर में बना पास्ता भी खा सकते हैं। इसमें भी आप गेहूं के आटे का बना हुआ पास्ता लीजिए और अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई सब्जी जैसे शिमला मिर्च और प्याज को शामिल कर सकते हैं। ध्यान रहे, किडनी पेशेंट को तला हुआ खाना बिल्कुल मना होता है। आप सिर्फ स्टीम्ड या रोस्टेड खाना ही खा सकते हैं। इन सब के अलावा अगर आपको बर्गर खाने का मन करे तो आप व्हीट ब्रेड का सैंडविच बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए उबले हुए आलू और सेंधा नमक का प्रयोग करें। इसमें ध्यान रखने वाली चीज ये भी है कि आप इनमें से कोई भी फास्ट फूड को 7 दिन में से बस एक बार ही ले सकते हैं। एक किडनी पेशेंट के लिए उसकी डाइट ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आपको अपने खाने में सिर्फ किडनी फ्रेंडली फूड ही शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप एक किडनी पेशेंट नहीं है तो भी इन आदतों पर कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। अगर आप किडनी की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या किडनी डाइट से रिलेटेड कोई भी एडवाइस चाहते हैं, साथ ही डायलिसिस से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, आज ही कर्मा आयुर्वेदा में संपर्क करें। कर्मा आयुर्वेदा का उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। यहाँ आपको बेहतर डाइट की जानकारी भी दी जाती है,
जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। कर्मा आयुर्वेदा का पता, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप किसी भी समय हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। देखिए कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे स्वस्थ हुए हैं। आइए आज हम उन्हीं से सुनते हैं कि किस तरह कर्मा आयुर्वेदा ने उनकी जिंदगी बदल दी। नमस्कार, क्या नाम है पेशेंट का? अतुल कुमार सिंह। कौन है यहाँ पे? ब्रदर है। जब आए थे तो अतुल को उस समय क्या क्या दिक्कत आ रही थी? उनकी मतलब थोड़ा लाउड बोलेंगे। प्रॉब्लम तो काफी ज्यादा थी उनको एक्चुअली, मतलब उनके मसल्स वगैरह में काफी दर्द हो रहे थे, बोन की जॉइंट्स में काफी पेन था एंड थक काफी जल्दी जा रहे थे, जस्ट बिकॉज की उसकी क्रिएटिनिन काफी ज्यादा थी 8.29। ओके, एंड फिर आपके यहाँ आए तो उसके बाद आपने जो भी मेडिसिन वगैरह, जो भी डाइट चार्ट वगैरह दिए, उसके बाद उसके एक महीने बाद 6.39 के करीब आया। फिर अभी जब प्रेजेंट टाइम में हमने जो चेकअप कराया उसमें 5.50 आया है। ये आपने टेस्ट कहाँ से कराए? ये फैजाबाद है। तो डायलिसिस वगैरह तो बता दिया होगा उस समय आपको? अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें पता चला कि नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है, किडनी सूख नहीं रही है, शेप और साइज में वो सही था, नॉर्मल था। फिर हमने यहाँ दिखाया, वहाँ दिखाया ही नहीं दोबारा डॉक्टर को, तो अभी तो ठीक है। बहुत अच्छा रिजल्ट आया, इनफैक्ट क्रिएटिनिन जो है रिड्यूस हुआ। ये टेस्ट कराने के लिए लैब का सजेशन किसने दिया था? अभी रिसेंटली वाला टेस्ट या कोई भी, जहाँ से भी कराया? हमने यहाँ से बताया था, कोई भी लैब से इस लैब से टेस्ट कराना। स्टार्टिंग में पहले BHU में दिखा रहे थे, वहाँ बोला था, उन्होंने बताया था। हाँ, अभी आप देखेंगे इनका क्रिएटिनिन जो था वो 8.26 था और ये था 25 मई 2019। 8.26 वाज द क्रिएटिनिन लेवल व्हेन द पेशेंट फर्स्ट विजिट अस एंड इट वाज नियर द डायलिसिस प्रोटोकॉल। फिर एक और उन्होंने लेटेस्ट टेस्ट कराया 4 अगस्त 2019, क्रिएटिनिन 5.5 हो चुका है, फैजाबाद से ही टेस्ट हुआ है, यूरिया 99.2 हो चुका है। काफी अच्छा रिजल्ट आया है इनको, फिजिकल लेवल फिजिकली भी पहले से बेटर फील कर रहे हैं काफी। पहले से जो क्रिएटिनिन है क्योंकि काफी रिड्यूस हुआ है 8 से 5, यूरिया वगैरह भी रिड्यूस है और अच्छे से इन्होंने सब चीजें लग के फॉलो करी एंड पेशेंट इज अभी डायलिसिस के प्रोटोकॉल से तो ये बाहर आ चुके हैं। डायलिसिस की जरूरत नहीं, थोड़ा वीक हो गया, वेट लूज हो गया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ध्यान रहे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, इससे आपको चैनल की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। ऐसी ही जानकारी से भरी वीडियो के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।